जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनकी आवाज ही उनका परिचय है। बड़ी ही खूबसूरती से वे कब श्रोता और कलाकार को अपनी वाणी अपने शब्दों से मिला देते हैं पता ही नहीं चलता है। कम्युनिकेटर, एंकर, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल और राइटर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री संजय पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नमस्कार। आपने यह समय हमें दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम बात कर रहे हैं स्वयं को जानने की और सार्थक जीवन की। हम खाना खा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दैनिक दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं, ये हमें जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, पर ये जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? हम इस जीवन में क्यों आए हैं? हम क्यों अपने आप को जाने? हम क्यों सार्थक जीवन की ओर चले? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मात्र एक संयोग है या कोई स्वर्णिम अवसर है? बहुत अच्छे प्रश्न से आपने इस वार्तालाप की शुरुआत की है। बिल्कुल आधा उत्तर तो आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि रोजी रोटी कमाना, विश्राम करना, तफरी करना, घूमना फिरना, स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण है जीवन में। उससे एक दिशा और दृष्टि भी मिलती है, उसको उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में इस बात की अनुभूति मिल जाती है, कुछ लोगों को पारिवारिक संस्कारों से ये संकेत मिल जाता है, और कभी कभी ईश्वर कृपा से ये संभव होता है कि वो जान जाते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन लक्ष्य कहीं कुछ और होता है। उसकी ओर बहुत संकेत और बहुत उसको रेखांकित करके कोई शुरू में कोई ऐसा लिख के या कह के भी नहीं देता कि ठीक है ये मैं कर रहा हूँ, वो घटित होता जाता है। क्योंकि अगर ये मालूम पड़ जाए कि होने कुछ और वाला है, ये पहले ही जान ले, तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है, जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। मैंने जो तीन विकल्प बताया आपको कि कोई दैवीय कृपा हो जाए या माता पिता के संस्कार, माता पिता के संस्कार और परिवार का जो वातावरण था उसने मुझे इस बात का एक स्पंदन लेना प्रारंभ कर दिया कि क्योंकि जिस तरह से मैं पिताजी को मेरा जो मूल वतन मेरा गांव रतलाम के पास में छोटा सा सैलाना, वहाँ से रिश्तेदारी में कोई लोग शहर में आए किसी तकलीफ को लेकर तो बात अलग है, लेकिन ग्रामवासी ही यहाँ से 150-170 किलोमीटर हमारा वो छोटा सा प्यारा सा गांव, और वहाँ से शहर में रेडियो खरीदना है तो चले आए, दवाई लेना है तो चले आए, शादी आ रही तो कपड़े लेना है तो चले आए, साइकिल खरीदना है तो चले आए। तो उस वक्त मैं पिताजी एक सफल प्रोफेशनल थे, उसके बावजूद जिस तरह से उन मासूम भोले और जिनसे कोई कोई स्वार्थ की बात नहीं होती थी कि दादा हम तो आ गए हैं और साइकिल लेना है, दादा आ गए हैं बच्चे का एडमिशन करा, उसमें जिस तत्परता, जिस लगन और जिस जिंदा दिली के साथ पिताजी सारा समय निकालते थे उन लोगों के लिए, तो मतलब एक बार का तो वाकया मुझे ऐसे याद है कि गुजरात में दाहोद के पास एक जगह होती थी लीमड़ी, तो वहाँ से किसी रिश्तेदार के परिचय से कोई एक मरीज मेटाडोर में चलकर वहाँ से इंदौर में कैंसर इलाज कराने के लिए आश्वस्ति के साथ इंदौर तक पहुँच गए कि नरहरी भाई हैं, वो तो कुछ ना कुछ कर पाए थे। और रात को 2 बजे को दरवाज़ा खटखटाता है, मेटाडोर में पेशेंट पड़ा। तो ये जो सारे जो बिंब आपके जीवन पर बनते जाते हैं तो वो मेरे मानस पर, फिर कलाकारों का परिवार में आना जाना, गायक, संगीतकार, कवि, लेखक, पत्रकार, लिखने पढ़ने वाले, कर सलाहकार, ये सब विशिष्ट जन जब आते गए, फिर मैं सौभाग्यशाली रहा कि कम उम्र ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ में इंटरेक्शन का मौका मिला, क्योंकि वो सब चीज़ों को समझ चुके थे जो मुझे समझना बाकी था, वो तो उनको मैंने वैसे काम करते हुए देखा जी। समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, शिक्षा के लिए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर रस आने लगा उसमें, और कुछ चीज़ें DNA में भी होती हैं जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये काम तो जब होना होगा हो जाएगा,
और मुझे लगता था कि सफलता जो होती है वो एक बाय प्रोडक्ट है, आप काम करते रहिए। तो मैं भी फिर लेखन की तरफ और रंगकर्म की तरफ, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ, एडवर्टाइजिंग की तरफ निश्चित रूप से एज अ प्रोफेशनल आया और जिद के साथ आया, क्योंकि पिताजी वरिष्ठ कर सलाहकार थे, वो चाहते थे मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कोई अपना नया रास्ता आजमाना चाहता हूं, तो इस तरफ आ गया। तो इसमें मुझे और आज़ादी मिली, अपने मन में जो छटपटाहट थी विचारों को, ज़रा सी कोई बात कहनी तो पहली उसकी प्रक्रिया शुरू होती थी विचार से, फिर शब्द आते थे मानस में, फिर वो कागज़ पर उतरते थे, तो इस तरह से रास्ता एक मिलता गया। तो अंततः मैं इस बात को थोड़ा संक्षेप में ही कहते करूँगा कि जहाँ जिस रूप में आप काम कर रहे होते हैं उसके अलावा भी आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा है परिवेश में उपलब्ध जिसका संबंध समाज से, परमार्थ से, और ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपये खर्च करके ही परमार्थी। मेरा कहना है कि यहाँ जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ अगर कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है और आप उसको सड़क पार करवा दें, या ये कहें कि यहीं 2 किलोमीटर दूर तक आइए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ दूँ, मुझे लगता है ये भी एक जो जीवन के लक्ष्यों में ये चीज़ें शामिल होती हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम अपनी आँखें खुली रखें और उन हर मौके का इंतज़ार करें या उनको भाप लें और उन पर एक्ट कर लें कि ये हमें भगवान की तरफ मौका भी चलकर आ जाता है, एक्ट नहीं हो पाता है। भैया जिस मुकाम पे आज आप हैं, आज से यदि मैं 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात करूं, क्या आपने मुकाम सोच लिया था या आप उसी डायरेक्शन से बढ़ते जा रहे थे या परिस्थिति और समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते और यहाँ आज पहुंचे? नहीं, ये तो तय था कि करना है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे और उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करते जाना है। तो लगातार मैं करता गया और बड़े लक्ष्य सेट करके नहीं चला मैं जी। आज कुछ अच्छा किया उसको आज इंजॉय कर लिया, इसका आनंद ले लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। कई बार अवसाद, परेशानियां, अप्रसन्नता, असंतोष और विफलता भी आती है कई कार्यों में, लेकिन उससे एक निष्कर्ष निकाल कर कि कहां मुझसे फंबल हुआ, ये तो बहुत आसान है कह देना कि उस वजह से ऐसा गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन कुछ अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए और उन चीज़ों को अगली बार आप रेक्टिफाई कर लें तो शायद ज़िंदगी का रास्ता आसान हो जाता है। बहुत सुंदर। एक बार मैंने एक प्रोग्राम में, मतलब उस प्रोग्राम को भी मैंने अटेंड करा था और उस प्रोग्राम के पहले आपके साथ बैठने का भी मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था, और मैं देख रहा था, वो प्रोग्राम था आई थिंक संतूर वादन का, और मैं जब आपकी उसकी प्रिपरेशन देख रहा था, क्योंकि उस समय मेरे आपके ऑफिस में आना जाना रहा, तो आपने मुझे वो बताया था कि वो किस तरह बुक पे आप बुकमार्क लगा के रखे थे, किस तरह से आप उनको अंडरलाइन कर रहे थे कि संतूर की हिस्ट्री क्या है, वो किस चीज़ों से बना हुआ है, तो एक अलग ही वो आपकी डिटेलिंग जो आपकी है वो वाकई में वो देखने लायक है और कुछ सीखने लायक है कि आप वो उस डिटेलिंग में जाते हैं, बहुत ही खूबसूरती थी इससे वो करना। एक्चुअली पड़ता कपिल भाई कि जब बोलना होता है, एक शो प्रेजेंट करना होता है, तो बमुश्किल सबसे कम समय एंकर पर्सन को मिलता है। ये अलग बात है कि वो समय छीन ले किसी का, लेकिन मुझे इस बात की कुछ ईश्वरीय कृपा है मुझ पर कि मैं समझ जाता हूँ कि मैं कहाँ तक बात कहूँगा तो वो पसंद आएगी, उसके बाद में नापसंद आएगी, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। तो कहाँ तक कितना बोला था तो फिर सब पसंद नहीं आया तो अपने को कट शॉर्ट करना चाहिए। तो कंटेंट आपके पास में ज्यादा होना चाहिए जी। जैसे आपने जब मुझे देखा होगा तो हो सकता है कि उन सारे पन्नों में जितने बुकमार्क्स लगा रखे थे उनमें से हो सकता है एक ही पंक्ति मेरे काम की हो, लेकिन आपके पास में कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, तैयारी आपके पास में बड़ी होना चाहिए, फिर आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बात भी सीखने को मिलती है आपसे कि ज्ञान तो अथाह है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है और हमें यह भावना है कि हम कहाँ डिलीवर करने जा रहे हैं उस चीज़ को, तो उसको पहले से पिक्चराइज करके और फिर हम हमारे कंटेंट की प्रिपरेशन करें। वो जरूरी नहीं है किसी प्रोग्राम में जाने की, बट और दूसरे जीवन के लक्ष्यों की भी यदि हम बात करें। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं म्यूजिक शोज में या दीगर शोज में मैं एंकर पर्सन के बतौर शामिल होता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता अलग अलग सब्जेक्ट्स की कई चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ, वो बिल्कुल मेरे उस कार्य के साथ में ना तो मैच होती है ना वो उपयोगी होती है, लेकिन न जाने कौन सी बात किस वक्त कहीं कोई महफिल में, कहीं प्रोग्राम के अंदर, कहीं कोई बात जो है वो लग रहा है कि एक एनर्जी बढ़ाने के लिए उस बात को कहना है, और आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं तो आप बेहतर डिलीवर कर पाते हैं। तो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इंसान। बिल्कुल सही। भैया ऐसे जीवन में आपके अनुभव से ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत प्रभावित करी हैं और आपको लगता है कि मानव जीवन में यह अहम भूमिका निभाती है? मेरे सारे एक मोटिवेशनल फोर्स में मेरे पूज्य पिताजी को मैंने नज़दीक से देखा, फॉलो भी किया उनको, तो आई थिंक ही इज योर रोल मॉडल।
हाँ मतलब ऐसे मैंने नामजद तरीके से ये नहीं कहा कि वही मेरे आदर्श हैं, लेकिन वो होता जाता है, वो अपने आप न चाहें तो भी तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप उस आत्मसात कितना करते हैं ये आप पर निर्भर है। तो उनका एक तो टाइम सेंस मैंने देखा, उसको लेकर मैं थोड़ा सा रहा, और फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं मैच नहीं कर पाता समय के उस समयबद्धता को, तो फिर उसको उसका रिग्रेट भी मन में होता है कि काश इसको अगर बैठ, क्योंकि मैंने उनको बहुत टाइम के मामले में बहुत पटेल, मैंने कभी उनको अगर उनको 10 बजे दफ्तर में पहुंचना है तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो 10:15 बजे तक तो घर पर ही बैठे हैं। तो मतलब आज आपके शो में आना था तो मतलब 10 बजे से ही मतलब सारी चीज़ें मैंने आज कैंसिल रखी थी कि नहीं ये काम आज करना है, तो 1 बजे तक का टाइम आपके इस बातचीत के लिए तो करना चाहिए। बहुत लोग इस मामले में बहुत बेफिक्र होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं बड़े टाइम पर हम जाएंगे तो होगा क्या, लोग तो अपने तरीके से आते हैं, लेकिन आपको एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है, खास करके जो हम लोग जो इवेंट से जुड़े होते हैं आपको एक अतिरिक्त समय मिलता है जी, एक मानसिक तैयारी का, और फिर आप अच्छा अपनी बात को कह पाते हैं। अगर आप एक प्रेशर लेकर जाते हैं किसी जगह पर तो फिर वो अंततः वो परिलक्षित होता है आपके आपके कार्य में। तो क्वालिटी लाने के लिए ये भी एक एलिमेंट है, टाइमिंग और समयबद्धता जो है जरूरी है, और समयबद्धता का एक आस्पेक्ट और है, समयबद्धता यानी 10 बजे बात की है तो 10 बजे पहुंचना और समय पर समय की बात कहना जी, जो मेरे एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन की एक खास उसका एक एलिमेंट है कि वेयर व्हेन व्हाई, आप कब कहाँ क्या कहना चाहते हैं, यू मस्ट नो एंड यू मस्ट नो योर टारगेट ऑडियंस ऑल्सो, कि आप उस अगर एक एक एक, एक बिल्कुल एक खुशी के माहौल में बैठे हैं और आप एक बेदिली से कहीं बात करेंगे तो उस बात का असर नहीं होगा, तो कब कहाँ कहना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय के अलावा मतलब समय टाइम मैनेजमेंट या टाइम के लिए हमें प्रेरित रहना कि हमें उसको फॉलो करना है, इसके अलावा और कौन सी बातें हैं, और कोई भी बातें हैं ऐसी जो आपको लगता है कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण? मुझे लगता है कि एक तत्व और मुझे बहुत फैसिनेट करता है, मुझे लगता है कि सच पर थोड़ा सच दूर होता जा रहा है जीवन से, सच के करीब रहने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि अंततः सच कहना पड़ता है जी। और बहुत अच्छा एक मैंने कहीं पंक्ति पढ़ी थी कि सच बोलने वाले को कभी ये याद नहीं रखना पड़ता कि उसने कब कहाँ क्या कहा था, तो वो एक आसन, लेकिन जीवन में तात्कालिक सफलताओं के लिए और जिस तरह से जीवन व्यवहार में हमने बहुत सारी चीज़ों को आमंत्रित कर लिया है, सक्सेस के हमने एक नए पैमाने हमने कर, तो उसमें ऐसा लगता है कि सत्य एक बहुत बहुत मामूली सी चीज़ है, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जितने भी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं गांधी से लेकर सत्य साई बाबा तक, आप देखिए सत्य शब्द कहीं कहीं उनके जीवन में बहुत उसका माना, उससे उसका अगर मुझे लगता है एक दशांश भी अगर हम कहीं पर उसका अनुसरण कर पाते हैं तो उसका बड़ा आनंद है, वो देता है आनंद देता है वो आपको। तीसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि जीवन को जितना सिंप्लीफाई करके रखेंगे, अपनी बोली बानी अपने व्यक्तित्व को जितना सरल सहज रखेंगे, उसको आप जितना फैब्रिकेट करते हैं अंततः आपको उसकी उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सरलता जीवन में है मुश्किल लाना, लेकिन आ जाती है तो उसका भी बड़ा आनंद है। हाँ, अभी कुछ इंटरव्यूज में हमारी यही बात हुई कि सिंप्लिसिटी एंड हाई थॉट, हाई मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत उच्च कोटि के होने चाहिए, तो यही बात समझ में आई कि सिंप्लिसिटी यदि हम लिया है लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएंगी। तो आपने जो सत्य की बात करी, आपने जो समय प्रबंधन की बात करी, शायद से यदि हम सिंपल लिविंग के ऊपर ही फोकस करें, सिंपल लिविंग का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि हम हर चीज़ को एक दायरे में करें बिल्कुल। अब तीन शब्द निकल कर आ गए, समय, सरलता और तीसरे एक और शायद वार्ता विस्मृत हो गया, तो ऐसे तीन चीज़ें जो हमको निकल कर आ रही हैं तो वो उसका पूरा आदर, देखिए हमारा जो अतीत रहा है अगर उस पर हम दृष्टि डालें, हमारी विरासत पर और हमारे जीवन व्यवहार पर, तो अब लोग कहते हैं वो भी क्या दिन थे, वो दिन तो वही हैं अभी, ठीक है, साधन आपके पास ज़्यादा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सुख और खुशी इनका अंतर भी समय रहते मनुष्य को जान लेना चाहिए। एयर कंडीशनर सुख दे सकता है लेकिन खुशी बाहर बरसते हुए पानी में जाने और भीगने से मिलती है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा थोड़ा जब उस तरफ जाएंगे, और ये बात भी है कि सरलता की तरफ,
समयबद्धता की तरफ, सत्य की तरफ, तीन जो हमने बिंदुओं पर डिस्कस किए, सत्यता, सरलता और समयबद्धता, इन तीनों की तरफ जाना अपने आप के साथ में एक बड़ी लड़ाई है। अपना सन, उसमें चौथा शब्द है सत्य, सरल और समय, इनमें चौथा शब्द है संघर्ष अपने आप के साथ में, और फिर स्वयं के साथ संघर्ष, एक और ऐसा आ गया। तो स्वयं के साथ संघर्ष करवाते हैं ये सारे तत्व, लेकिन अंततः आपको लगता है कि ये जो था ठीक था, इस पर जाना ठीक था। और अल्टीमेटली हम जो संघर्ष कर भी रहे हैं जीवन का, वो हम बाहर से नहीं कर रहे हैं शायद, हम वो अपने आप से ही कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं उस संघर्ष में। तो हम बाहर के चीज़ों को अप्रोच करने के लिए हम अपने आप के साथ संघर्ष करके अपने आप को बदल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है आपने जो एस से आपने ये जो तीन चार बातें पिरोई, बहुत सुंदर लगा। संजय भैया, ऐसा कोई वाक्य आपके जीवन में, या ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे, पर कोई ऐसा एक वाक्य, या आप इतना बुक पढ़ते हैं, तो आप कोई ऐसी बुक जो हमें सजेस्ट करेंगे कि ये आपके जीवन में एकदम यू टर्न लेके आई है और आप इनको हमेशा फॉलो करते हैं, हमेशा इसको याद रखते हैं, इस वाक्य को हमेशा याद रखते हैं, ऐसा कोई? एक पंक्ति ने मुझे बहुत, मुझे जब मैं अपने अपने कारोबार में बहुत प्रतिस्पर्धा के समय हम जब प्रवेश किया उसमें, तो एक पंक्ति मैंने मुझे बहुत, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। तीन किताबें मैंने युवावस्था के पहले, किशोरावस्था और युवावस्था के बीच में मुझे कोई एक ऐसा एक मार्गदर्शक मिला जीवन में, जिसने मुझे पहली बार एक पहली किताब दी थी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं। सबसे पहले मैंने वो बड़ी मोटी किताब पढ़ी, उसके बाद में फिर मैंने कर्ण की आत्मकथा, शिवाजी सावंत की मृत्युंजय पढ़ी, और तीसरी किताब जो मुझे बहुत, जिसने मुझे बहुत अंदर तक उसने बड़ा आनंद दिया, वो थी पंडित अमृतलाल नागर की मानस का हंस, तुलसीदास जी का आत्मचरित है। श्री राम के बारे में तो तुलसीदास सब बताते थे, कथाकार के रूप में उन्हें सब बता दिए, लेकिन तुलसीदास ने उसका सृजन कैसे किया और कितना संघर्ष, कितनी कठिनाई, एक अनाथ बालक के रूप में वो अपने गांव से निकलकर और वाराणसी तक आते हैं, और कितना, कितनी तकलीफ उसके अंदर उसमें है, और उसमें भी क्या मस्ती है उनके अंदर सृजन की, वो उस पुस्तक से, मानस का हंस से मिली। क्या भूलूं क्या याद करूं से भी मालूम पड़ा कि बच्चन जी के जीवन का संघर्ष क्या था, उसमें भी सृजन कैसे उन्होंने करके, और फिर मधुशाला जैसा महाकाव्य रचा, और शिवाजी सावंत की जो पुस्तक है कर्ण के जीवन चरित्र, उसमें मुझे एक पंक्ति ने मुझे बहुत दिखी कि वो सूत पुत्र थे, सारथी के पुत्र थे, और उसमें, और फिर सबसे अच्छा मित्र उनका उस राज्य का राजकुमार दुर्योधन, तो उसमें कोई एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें लेखक अपनी तरफ से पंक्ति जोड़ रहे हैं, वो किसी का वक्तव्य नहीं है, उसमें लेखक अपनी एक कथानक पूर्ण करने के बाद में शिवाजी सावंत लिखते हैं कि बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं। तो उस पंक्ति ने मुझे इतना ही किया कि जब छोटा सा कष्ट हो तो ये समझ लो कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं जी कि आपके पास में कष्ट है। ज्यादातर स्थितियों में हम ये सोचते हैं कि सुखी लोगों के सुख बड़े बड़े हैं, तो इस बात को लेकर तो हम बहुत ज्यादा अंदर अपने एक ले लेते, अरे बड़े हैं तो हम कब बड़े होंगे, इनके पास में ये साधन है, इनके पास में ऐश्वर्य है, सफलताएं हैं, तो इस पर ये पंक्ति बहुत संतुलित कर देती जीवन को। आपके पास में कठिनाई है, आपके पास में रिक्तता है, आपके पास में अभाव है, लेकिन जब आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपके पास में छोटा सा आपको एक दर्द है और आप एक बड़े मरीज को देख लें, किसी को ज़्यादा कष्ट, तो आपको अपने लगता है कि मेरा दुख कुछ कम है, तो ये पंक्ति उसी तरफ इशारा करती जी, है कि बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं, तो फिर बड़ा क्यों बनना। आप जो कर रहे हैं वो करिए, और जितनी अपनी कोशिशों से जहां जिस कामयाबी तक आप पहुंच सकते हैं उसमें संतोष की लाइन आप एक डाल सकें, तो फिर आप प्रसन्नता, अंततः सारा जितना हम जो कुछ भी मशक्कत करते हैं जीवन में, अंततः आना आपको प्रसन्नता की शरण, कि मैं जो कुछ करता हूँ उससे मुझे प्रसन्नता मिलती कि नहीं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, या मैं जो खा रहा हूँ, चाहे जो मैं पहन रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, जो मैं खर्च कर रहा हूँ, उससे मुझे प्रसन्नता मिलती, कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, उससे मुझे प्रसन्नता मिल, अगर वो नहीं आपको, तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर जब जो कुछ कर रहे हैं उससे प्रसन्नता मिलती है। तो ये बात आपके लिए बहुत, सबके लिए मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत, कि बड़ा होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, नकारात्मक बात नहीं कह रहा हूँ, आप चलते जाइए, सफलता एक बाय प्रोडक्ट है, और एक दायरे में, एक दायरे, और वो बाय प्रोडक्ट है, आप करते जाइए, मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसका पैमाना क्या होगा,
समय पर छोड़ी। कोई ऐसा वाक्य भी आपके जीवन से? फिर मुझे लगता है इस समय की कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, इसलिए तो बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करना मुश्किल होगा और फिर बात भी लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे कलाकारों के बीच में उठने बैठने का मौका मिला और उनको देखा, उनकी विनम्रता को देखा, तो एक ऐसी स्थिति बनी कि इंदौर के सांगी मुक्ताकाश मंच पर लता अलंकरण लेने के लिए विख्यात गायक मन्ना डे आए थे, तो मंच के पीछे उनसे पास में जाके उनके गया, उनको प्रणाम किया, बात थी। सहगायिका के रूप में कविता कृष्णमूर्ति आई थी, तो वो जहाँ मंच पर जो बैठे हैं तो वहाँ पर उस परिसर में और उस मंच पर देश के ख्यातनाम कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। तो मैंने ऐसे जाके उनको कहा, मैंने कहा दादा आप जहाँ बैठे हैं, सर्द रात थी, दिसंबर का महीना था, कोट पहना था, मफलर पहना था, टोपी पहनी हुई थी, अच्छी ठंड थी, तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने दादा आप जहाँ बैठे हैं ये जगह ऐसी है, यहाँ इसी परिसर के अंदर उस्ताद आमिर खान साहब, पंडित कुमार गंधर्व और पंडित रविशंकर जी, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ हुई हैं और वो यहाँ आए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे ककल भाई कि जैसे ही मैंने जूते रखे, उन्होंने फट से जूते खोले, अपने जूतों को नीचे किया, पैर ऊपर किए, सबसे पहले झुक कर उस ज़मीन को प्रणाम करके, और उन्होंने ऐसे से बिल्कुल वहाँ मंच ज़रा ऐसा कुछ ख़राब ही था तो वहाँ से धूल उठाकर उन्होंने माथे पर अपनी छोड़ा, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ लिया और उनकी आँखें द्रवित हो गई। उन्होंने कहा कि क्या आपने ये बात बता दी, वरना मैं अगर ये मुझे मालूम नहीं पड़ता तो शायद मैं एक तीर्थ यात्रा से वंचित हो जाता। तो मुझे लगता है कि एक ये रूहानियत और एक अंदर एक 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 भाव अपने अपने से बड़े कलाकारों के लिए कितना पवित्र होता है कि एक कलाकार उस ज़मीन पर पैर रखते भी सोच रहा है कि मैंने तीर्थ यात्रा की, जबकि वे भी खूब खूब बड़े हैं, स्वयं बड़े कलाकार, उसके बावजूद भी वो विनम्रता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। बस इस कॉन्वर्सेशन को मैं एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं, मित्रता, क्योंकि मैंने अक्सर आपको एक मित्र के साथ बहुत देखा है, आपके लिए मित्रता की क्या परिभाषा है? बहुत ज़रूरी है जीवन में, एक आपका हमसफर हमराज, आपका आपके साथ में, आपके दुख सुख में उसको साझा कर सकें आप बिना किसी संकोच के। ये भी कहा जाता है कि गुरु के यहाँ पर, माता पिता के यहाँ पर, मित्र के यहाँ जाने के पहले अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप कभी भी किसी वक्त उसका दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। बात इसका मर्म यही है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक एक तत्व ऐसा होता है, मित्र आपके जीवन में हो तो आपको लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें बहुत आसान हैं। अब लेकिन एक बात है, उस मित्रता का आधार जो होता है वो भी मेरा मानना है कि उसको भी मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से देखता हूँ कि अगर उसमें कोई हेतु है, उसमें आप सोचते हैं कि इसमें कोई कारोबारी कोई क्वेश्चन बन जाएगी तो वो फिर उसमें फिर विफलता मिलती, फिर वो फिर किसी अपेक्षा और अपेक्षा के पूरे न होने पर टूटता है। तो बिना अपेक्षा के मित्र होना जीवन में वो बहुत आवश्यक है, आपको उससे जीवन का रास्ता आसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय हमें दिया। वाह क्या चर्चा आज हमने आदरणीय संजय पटेल साहब के साथ करी। हमने जाना सत्यता को, हमने जाना समय प्रबंधन को और सरलता को। जब हम इन पर कार्य करते हैं हमारे जीवन में, तब हमें संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष से हम स्वयं को जान सकते हैं, किस लिए? एक सार्थक जीवन की ओर। हमने यह भी जाना कि यदि बड़े लोगों के सुख बड़े हैं तो उनके दुख भी बड़े हैं। आइए किन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं इस पर विचार करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा, जो नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो जिंदगी की किताब से पढ़ते हैं। I see lot of people who are not good readers, but they're great human beings, they're great leaders, क्योंकि वो जिंदगी की किताब से पढ़ते हैं। लेकिन इस कोरोना काल ने इस मिथक को वो तोड़ दिया और सबको ये रियलाइज हुआ कि इस समाज में सबको सबकी आवश्यकता है, उसके बाद उसे सफलता मिलती है। और यह सफलता जो है ये क्षणभंगुर नहीं होती है, अगर इन तीनों चरण से गुजरकर सफलता मिली है तो सफलता के साथ आपके व्यक्तित्व में गहराई आएगी। अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें 100 अच्छे उदाहरण सेट कर देना चाहिए, हम
जितने अच्छे एग्जाम्पल समाज में सेट करेंगे उतनी अच्छाई प्रतिपादित होगी। ये मिथक है कि बुराई संक्रात्मक होती, अच्छाई संक्रात्मक नहीं होती।